नमस्कार, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो आहाना अल्ट्रा ई रिक्शा के ऊपर में होने वाला है, जो पीछे आप देख सकते हैं ग्रे और चेरी कलर में ये ई रिक्शा काफी खूबसूरत लग रहा है। बने रही है आज की इस वीडियो पे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आहाना की जो अल्ट्रा मॉडल है ये ई रिक्शा आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए। फुल डिटेल्स के साथ आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं ये है आहाना कंपनी की अल्ट्रा ई रिक्शा। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को आहाना अल्ट्रा ई रिक्शा के बारे में फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। ये ई रिक्शा आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अगर खरीदना चाहिए तो ये ई रिक्शा क्यों आप खरीदेंगे, इसका खासियत क्या क्या है, ये खरीदने से पहले आपको किन किन चीजों ध्यान में रखना जरूरी है, चलिए आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा ई रिक्शा रखा हुआ है। यहाँ पे आहाना की जो टॉप मॉडल होता है आहाना एवी ई रिक्शा, अगर आपने वो वाला वीडियो को नहीं देखे है तो हमारे चैनल पे वो वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, इससे पहले वाला वीडियो जाके वो वाला वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। मैं बताया हूँ आहाना एवी का जो टॉप मॉडल है वो ई रिक्शा पे कौन सा फीचर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को नजदीक लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है आहाना अल्ट्रा और इस ई रिक्शा पे आपको देखने को मिल जाता है 43mm की सॉकर, अलॉय व्हील रिम, MRF की टायर, उसके साथ साथ ये जो टायर का साइज है ये 3/75/12 की साइज टायर है। सबसे बड़ी खासियत की बात अगर किया जाए तो इस ई रिक्शा की जो चेचिस है वो सिंगल चेचिस पे आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार चेचिस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ई रिक्शा की जो चेचिस है वो काफी हैवी और मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल चेचिस का यूज किया गया है इस अल्ट्रा ई रिक्शा पे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होके सीधा बैंड होके यू शेप में आपका पीछे चला गया है, और इसमें जो डिमेंशियल का यूज किया है वो हमारा QHD मॉडल का है। इस ई रिक्शा की एलॉय व्हील की जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। बाकी आप कमेंट करके जल्दी से बताइए इस एलॉय व्हील का जो डिजाइन है वो आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी में जो आयरन लोहे का यूज किया है वो काफी मोटा और हैवी है, और यहाँ पे भी अल्ट्रा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे जो सीट है, यहाँ पे काफी ज्यादा जगह दिया गया है, दूसरा ई रिक्शा से भी काफी ज्यादा यहाँ पे बैठने का जो कैपेसिटी है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ इस ई रिक्शा पे आपको सीलिंग देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको एक रूम लाइट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सामने की ओर लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए गर्मी का मौसम है, और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा पंखा देखने को मिल जाता है जिसके जरिए आप आराम से हवा की आनंद ले सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपका हमारा प्यारा सा एक साउंड सिस्टम जो कि बढ़िया क्वालिटी वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और ये इसका जो साउंड सिस्टम की जो साउंड है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा है। मतलब लेफ्ट साइड में आपको एक वाइपर मशीन, इसके साथ साथ इस ई रिक्शा की मीटर की बात अगर करूं तो यहाँ पे फुल डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है की लॉक, और इसके ही साथ में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म का जो सिस्टम है रिमोट के जरिए लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है इस चाबी में भी आपको आहाना की ब्रांडिंग लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं की लॉक के जरिए तो आप इस ई रिक्शा को ऑन कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो S लिखा हुआ सिंबल है इसको आप अगर 3 बार प्रेस करेंगे
तो ये ई रिक्शा ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे पंखा भी चल रहा है, ये देखिए इसका स्विच ऑन था जिसके वजह से यहाँ इसका स्पीड भी आप कितना तेजी से घूम रहा है वो आप देख सकते हैं, है ना। और ये जो साउंड सिस्टम है इसको पेयर करना भी बहुत आसान होता है, अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट करना बहुत ही इजी और आसान होता है। तो देखा आपने की लॉक के बगैर मैं इसको ऑन किया हूँ और ऑफ करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करना है। इस ई रिक्शा पे HD क्वालिटी वाला कंट्रोलर और मोटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रोटल, यहाँ पे हाई लो और रिवर्स फ्रंट का सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये हाई लो का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं हेडलाइट की मेन स्विच, ऑन ऑफ स्विच और लेफ्ट साइड में हाई बीम लो बीम का स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं काफी मजबूती के साथ इस ई रिक्शा को बनाया गया है। बैठने का कैपेसिटी जो है ना वो दूसरा ई रिक्शा से काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा ई रिक्शा की बैक साइड की बात अगर करूं तो बैक साइड में ना भर भर के इसका फीचर्स दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक लगा हुआ है क्योंकि ये ई रिक्शा ना फोल्डिंग है, पीछे से आप बिल्कुल खोल सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ। इस तरीके से ये फोल्डिंग पीछे से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सवारी के साथ साथ कोई लोडिंग लंबा पाइप वगैरह जो होता है ना, अगर लोडिंग करना है लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक पाइप का यूज किया है और जिसके जरिए ये काफी मजबूत है। यहाँ पे भी अगर चाहते हैं दो आदमी बैठ के आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं पीछे भी अल्ट्रा की एक स्टिकर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको और एक बात बता दूं, इस ई रिक्शा पे ना आपको लगेज कैरियर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा साबित होता है। इस ई रिक्शा की बैक साइड तो आपने देख लिया, तो चलिए मैं आप लोगों को साइड प्रोफाइल भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का है इस ई रिक्शा की साइड प्रोफाइल जो देखने में काफी कूल लग रहा है, चेरी और ग्रे कलर में कुछ इस तरीके का है। ऊपर में आपको लगेज कैरियर देखने को मिल जाता है और ये गाड़ी काफी मजबूती से बनाया है आहाना कंपनी ने। और इस ई रिक्शा की खासियत तो ये है कि इस ई रिक्शा पे आपको कंट्रोलर जो है वो पीछे मिल जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका कंट्रोलर दिया गया है और ये जो कंट्रोलर की यूज किया है ये हमारा 1000 वाट की कंट्रोलर है। और मोटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मोटर है ये हमारा QHD मोटर है और ये भी 1000 वाट का ही है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये जो मोटर कंट्रोलर की यूज किया है आहाना कंपनी ने आहाना अल्ट्रा पे, यहाँ पे HD क्वालिटी का मोटर कंट्रोलर का यूज किया है। बाकी आप कॉमेंट करके जल्दी से बताइए ये ई रिक्शा कि जो व्हील का डिजाइन है वो कैसा लगा है। और बाकी मोटर कंट्रोलर की बात किया जाए तो यहाँ पे 1000 वाट की मोटर कंट्रोलर दिया है और इस ई रिक्शा आप बिल्कुल खरीद सकते हैं क्योंकि इस ई रिक्शा में जो बॉडी का यूज किया है और ये जो चेसिस है वो सिंगल चेसिस पे बना हुआ है जिसके जरिए ये ई रिक्शा काफी मजबूत साबित होता है। अगर आप ई रिक्शा खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप आहाना अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं क्योंकि इस ई रिक्शा पे फोल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। अगर लोडिंग की बात किया जाए तो इसमें काफी बढ़िया सिस्टम दिया गया है इस आहाना अल्ट्रा पे, तो यहाँ पे आप लोडिंग भी कर सकते हैं, बाकी सवारी लेके म्यूजिक का आनंद उठा सकते हैं। और चेसिस की बात किया जाए तो आपको तो पता ही है ये सिंगल चेसिस पे बना हुआ है। बाकी कैसा लगा है आज का वीडियो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियोस पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।